हेलो दोस्तों, मैं रोज अफसर पाज और आप देख रहे हैं शिफ्ट टैग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL के प्लान के बारे में। आपको मालूम ही होगा, कुछ टाइम पहले एयरटेल वी जियो ने अपने प्लान में इंक्रीज़ किया था। प्राइवेट जो कंपनी है वो तो अपने प्लान में इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो BSNL है वो अपने प्लान में जो है अपना इजाफा नहीं, उनके प्राइस कम कर रही है ना मजे की बात। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि BSNL ने ऐसा आपको ऑफर दिया है जिसके जरिए आप अपना रिचार्ज कम प्राइस में कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको ऐसे प्लान के बारे में भी बताऊंगा जिनको जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप BSNL चलाते हैं या आप चलाना सोच रहे हैं, आप अगर इनकमिंग या आउटगोइंग का रिचार्ज कराना चाहते हैं वो आपको BSNL में मिल जाएगा। अगर आप डाटा यूज करना चाहते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप दोनों चीज़ चाहिए, आपको अनलिमिटेड कॉल के साथ और डाटा भी आपको चाहिए, तो वो भी आपको BSNL में देखने को मिलता है। बस आपको ये चीज़ देखनी है आपके यहाँ BSNL अच्छे से वर्क करता है या नहीं, तब आप BSNL में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि BSNL के वो प्लान जो आपको बेस्ट ऑफर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको वो वाले प्लान बता देता हूँ जिसमें आपको इनकमिंग के साथ आउटगोइंग कॉल आपकी मिलती रहेगी, जो कि सस्ता प्लान आपका नंबर चलाने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 94 के प्लान के बारे में, यानी कि जो 94 रुपये का प्लान ये आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको 200 मिनट देखने को मिलती है, प्लस आपको इसमें 3GB डाटा भी आपको इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें BSNL की ट्यून्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी है 45 डेज, यानी कि 45 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अदर कंपनी के जो प्लान आते हैं उनमें 99 में आपको 100 MB डाटा देखने को मिलता है, कुछ उसमें आपको जो है अपना प्राइस देखने को मिलता है, पैसे जो आते हैं उनमें रिचार्ज करने के बाद वो आपको देखने को मिलते हैं, उसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन के बाद वो भाग जाते हैं। लेकिन इसमें आपको ये बेनिफिट है, 45 डेज आप 94 का रिचार्ज करेंगे, आपका जो है 200 मिनट के बाद आप इसमें जो अपना रिचार्ज करेंगे 10 या 20 रुपये का या 30 रुपये का जितने का भी, आपकी कॉल लगनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें आपको ये बेनिफिट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरे प्लान की बात करें, 106 रुपये का यह प्लान आता है। इसमें आपको 200 मिनट देखने को मिलती है, 3GB डाटा आपको इसमें देखने को मिलता है, BSNL की ट्यून्स आपको इसमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आपका इसमें 50 डेज़ की वैलिडिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको 5 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिल रही है सिर्फ 106 रुपये में। यानी कि पहला जो रिचार्ज मैंने बताया उसमें आपको 45 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें आपको 50 दिन की वैलिडिटी सीधी देखने को मिल रही है। 106 रुपये का यह रिचार्ज है, जबकि 99 का रिचार्ज आप कराते हैं अदर कंपनी में तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो आपको मालूम ही है। तो दोस्तों, ये था कम प्राइस में आपको ज़्यादा वैलिडिटी वाला प्लान, अगर आप इनकमिंग या आउटगोइंग चलाना चाहते हैं तो। और अगर आपको नेट भी यूज करना है, अनलिमिटेड कॉल भी चाहिए, तो कौन सा रिचार्ज करा सकते हैं? तो दोस्तों, आपको कराना है 153 का रिचार्ज, 153 का ये रिचार्ज आता है। इसमें आपको 1GB डेली डाटा देखने को मिलता है, 100 SMS आपको इसमें डेली देखने को मिलते हैं, अनलिमिटेड कॉल 28 दिन तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप 153 का ये रिचार्ज करा के आपको ये बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और अगर आपको नेट ज़्यादा नहीं चाहिए, 1GB आपके लिए ज़्यादा है, तो आप 118 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें आपको 500 MB डेली डाटा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको 500 MB डेली यूज करना है आप कर सकते हैं, बाकी अनलिमिटेड कॉल और 500 MB डाटा जब आप यूज कर लेंगे उसके बाद 40 KBPS की आपकी इसमें स्पीड देखने को मिलेगी। इसकी वैलिडिटी है 26 डेज की, यानी कि 26 डेज आप इसको यूज कर सकते हैं, 118 का रिचार्ज ही आपका देखने को मिलता है। अब आता है सिर्फ डाटा यूज करने का जो प्लान है इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप अनलिमिटेड कॉल नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ डाटा से मतलब है आपको, तो आप 198 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। 2GB डेली आपको इसमें डाटा देखने को मिलता है, आपका इसमें 2GB डाटा ख़त्म होने के बाद 40 KBPS की स्पीड हो जाती है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो 50 दिन की है। आपको ये 50 दिन की वैलिडिटी इसमें देखने को मिलेगी 198 में, यानी कि 200 रुपये में आपको 50 दिन रोज़ 2GB डाटा आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए बेनिफिट इसमें देखने को मिल रहा है। अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि इन ऑफर से अलग, अगर आप 201 रुपये से ऊपर का रिचार्ज कराते हैं BSNL का, तो आपको बेनिफिट क्या देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें, अगर आप 201 रुपये से ऊपर का रिचार्ज कराएंगे तो आपको BSNL 4% का आप
इसमें डिस्काउंट दे रहा है 4% का। अगर आप 200 का रिचार्ज करा रहे हैं तो आपका 8 रुपये बच रहे हैं, 300 का करा रहे हैं तो आपका जो 12 रुपये बच रहे हैं, इस तरह का कुछ हिसाब है। आपका 4% जो है डिस्काउंट उसमें देखने को मिल रहा है अगर आप BSNL का रिचार्ज कराते हैं। BSNL सेल्फ केयर से, जो BSNL का ऐप आता है प्ले स्टोर पर, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं BSNL सेल्फ केयर के नाम से। अगर आप BSNL यूज करते हैं तो आप सीधा BSNL से जाके रिचार्ज करेंगे BSNL ऐप से, और जो पेमेंट है वो आप कोई भी किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फ़ोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, किसी भी मेथड से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, और 4% का आपको उसमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों है ना कमाल का ऑफ़र और कंपनी के मुकाबले, जबकि 300 रुपये में अगर आप अदर कंपनी का रिचार्ज कराते हैं तो 1 महीने की वैलिडिटी देखने को मिलती है, सिर्फ 1.5 GB रोज डाटा आपका इसमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको हर ऑफ़र देखने को मिलता है, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको इसमें ऑफ़र देखने को मिलता है। लेकिन ये आपको एक चीज़ इसमें ये भी देखनी पड़ेगी कि BSNL के थोड़े नेटवर्क वीक हैं, अगर आपके यहाँ अच्छे नेटवर्क आते हैं तभी इनमें आप अपना प्लान जो है वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जिस कंपनी में है उसी में ही रहे तो आपके लिए बेनिफिट इसमें होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि मैं ऐसी टैक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ और मोबाइल के रिव्यूज़ भी करता रहता हूँ, उनकी अच्छी बुरी बातें वो आपके सामने रख देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।